सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। नववर्ष 2023 को लेकर हर कोई उत्साहित है। इस साल को कैसे खास बनाएं, ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इन्हीं सवालों के साथ जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राम जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पंडित जी, हम जानना चाहेंगे इस नव वर्ष में क्या कुछ खास है और क्या कुछ अलग है। आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये वर्ष सभी के लिए मंगल हो, ऐसी कामना है। और 2022 जा रहा है और 2023 खट्टी मीठी यादों को लेकर के आ रहा है। बहुत ही ये वर्ष सभी के लिए शुभ होने वाला है, क्योंकि 2019 से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, उसके बाद अभी भी ये समाप्ति इसका कोरोना काल का नहीं हुआ है। लेकिन 2023 आने पर हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना कामना करते हैं कि ये सभी के लिए वर्ष मंगलमय हो। 2023 में बुध राजा रहेंगे और शुक्र देवता मंत्री पद पर रहेंगे, इसलिए ये वर्ष सभी के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक जो भी पृथ्वी पर प्राकृतिक सौंदर्य सभी को खूब देखने को मिलेगा। फल फूल, हरियाली और बहुत ही सुंदर वातावरण इस वर्ष हम सभी को देखने को मिलेगा। और परमात्मा से यही कामना है कि वर्ष सभी के लिए बहुत ही शुभ मंगल कामना के साथ ये वर्ष सभी का व्यतीत हो, ऐसी परमात्मा से हम कामना करते हैं। पंडित जी, ये बताइए 2022 की तुलना के नक्षत्रीय के रूप की अगर तुलना की जाए तो ये साल आने वाला साल कैसा रहेगा? 2022 की अगर तुलना की जाए 2023 से, तो 2023 आने वाला बहुत ही अच्छा वर्ष आने वाला है, क्योंकि 2023 में 2023 दो और 23 इसकी जो संख्या आ रही है वो 5 आ रही है और 5 अंक के स्वामी बुध होंगे और इस वर्ग के राजा भी जो पद मिला है वो बुध को मिला है, इसलिए ये वर्ष 2022 से बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें क्योंकि 2022 में काफ़ी लोग परेशान रहे बीमारी से और व्यापार से, कुछ लोग कई बीमारियों से, घटनाओं से, लेकिन 2023 में ऐसा कुछ कम होने वाला है जो भी घटनाएं हैं, और अधिकतर मंगल होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी बहुत शुभ ये वर्ष रहने वाला है, जितने भी जातक हैं पर शिक्षा के लिए और जो भी कार्य करेंगे इस वर्ष, नया कार्य जो प्रारंभ करेंगे या जो पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि कई ग्रहों का बदलाव भी इस वर्ष होने वाला है, बड़े ग्रहों का, वो हर वर्ष होता है। जैसे 2023 में मार्च में, अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और शनि का परिवर्तन तो इसी जनवरी माह में होने वाला है। 2023 में 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में, अपनी राशि में ही होगा, जो मकर से हट करके और कुंभ में आएंगे, और ये 2.5 वर्ष कुंभ राशि में शनि रहने वाले हैं, और शनि का परिवर्तन ये 12 राशियों पर अपना फल प्रदान करते हैं, जो अच्छा या बुरा जैसा भी है वो हर राशियों को प्रभावित करते हैं। इससे जैसे ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो इस वर्ष में शनि का परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा भी माना गया है, क्योंकि शनि की ये बल राशि है जिसमें शनि मकर से अधिक ज़्यादा कुंभ में बलवान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी के लिए शुभ है, सभी राशियों के लिए शुभ है। कुछ शनि के परिवर्तन से प्राकृतिक घटनाएं होने की संभावना रहती है, जैसे ठंड अधिक और ज़्यादा होने की संभावना, क्योंकि जो शनि ग्रह हैं वो ठंडी के कारक हैं, ठंड के, इसीलिए वायु हवा को लेते हुए ठंड अधिक हो सकती है जनवरी और फरवरी माह में, जिससे कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है।
लेकिन कई राशियों के लिए बदलाव होने से परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इसलिए ये वर्ष शुक्र के मंत्री होने से, बुध के राजा होने से और शनि का परिवर्तन होने से राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। राहु केतु अपनी राशि मेष को छोड़ करके मीन में आएंगे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन सभी ग्रहों का होने वाला है इस वर्ष में, और वो सभी राशियों के लिए अपना अपना अलग अलग प्रभाव डालेंगे। राशियों की बात करें तो ये साल किस राशि के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए ये साल थोड़ा बदलाव लेकर आएगा? ये वर्ष में लगभग सभी राशियां प्रभावित होगी। जैसे कि सबसे प्रथम राशि का हम बात करेंगे तो सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा परेशानी भरी रहेगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में शनि का परिवर्तन कुंभ से होगा, जो कि मेष राशि की एकादश राशि होगी और पंचम पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, और देवगुरु बृहस्पति भी अभी द्वादश में ही गोचर कर रहे हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष एक दो महीने के बाद से बहुत अच्छा हो जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति और कई व्यापार में परिवर्तन के योग। अभी वर्तमान समय मेष राशि वालों का दो तीन महीने तक, जनवरी फरवरी मार्च तक थोड़ा सावधानी रखें, यात्राएं हो सकती हैं और संतान के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, पत्नी से अनबन की स्थितियां अभी हो सकती हैं, दो तीन महीनों में थोड़ा सा सावधानी रखें। इसके बाद मेष राशि मार्च से बहुत अच्छी हो जाएगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और अच्छी यात्राएं होंगी। चर्चा करेंगे 2023 में वृष राशि वालों, वृष राशि जिनका स्वामी शुक्र है और शुक्र इस वर्ष में मंत्री का पद शुक्र को प्राप्त हो रहा है, इसलिए शुक्र और वृष राशि ये उनके लिए बहुत अच्छे योग अभी वर्तमान समय में चल भी रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में थोड़ा सा मन शांत रहेगा और कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। सूर्य क्योंकि अभी अष्टम से गोचर कर रहा है, इससे वृष राशि वालों के लिए सूर्य जनवरी माह थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। इसके जनवरी के बाद से उनका समय सूर्य जैसे ही गोचर वश भाग्य भाव में आएगा, वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पल करेगा, भाग्य उनका चमकेगा, रुके हुए कार्य उनके बनेंगे, संतान संबंधी भी बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति गोचर करेगा अप्रैल से, बृहस्पति के गोचर करने से थोड़ी सी समस्याएं होंगी, जैसे धन का खर्च अधिक बढ़ जाएगा, व्यापार में थोड़ा सा अवनति होने की संभावना है। इससे बृहस्पति का उपाय वृष राशि वाले करते रहेंगे इस वर्ष भर, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है वो मेष राशि होगा जो उनकी द्वादश राशि होगी, तो थोड़ा सा पैसे धन को लेकर के परेशानियाँ रहेंगी, व्यापार को भी लेकर के थोड़ी टेंशन रहेंगी, तो उसके लिए बृहस्पति का उपाय करते रहें और संतान के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा अप्रैल के बाद, अन्य पूरा वर्ष भर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि वृष राशि वालों के लिए कर्म भाव से गोचर करेंगे, जो कि उनकी दृष्टि होगी वो सुख भाव पर होगी, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। पिता के लिए अच्छा है, लाभकर है, सरकारी नौकरी जिनकी वृष लग्न वालों की राशि वालों की रुकी हुई है वो इस वर्ष मिलने के बहुत अधिक आसार हैं, और बृहस्पति का उपाय करें, शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पूरे वर्ष भर वृष राशि वाले और वृष लग्न वाले करेंगे, जिससे ये वर्ष मेष वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जी। और अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जिनका स्वामी स्वयं बुध है और बुध इस वर्ष के राजा भी होंगे, इसलिए मिथुन राशि अभी थोड़ा सा पिछला परेशान भी चलती आ रही 2022 से, जो कि इस वर्ष बहुत अच्छा होने की संभावना है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध ही राजा हैं, और जो उनकी दशम भाव में शनि अभी वर्तमान समय से चलता आ रहा था 2.5 वर्षों से,
वो हट जाएगा, जिससे शनि के हटने से उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्य को चमकाने वाला होगा। थोड़ा भाइयों से परेशानी हो सकती है, भाइयों से अनबन हो सकती है, भाइयों से अच्छा रिश्ता बना के चलें और भाई से किसी प्रकार का बैर न करें। पत्नी के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने की इस वर्ष पूरी संभावना है मिथुन राशि वालों के लिए। ये वर्ष उनके बहुत ही अच्छा होने वाला है, संतान के लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष मिला जुला फल प्रदान करेगा, इस वर्ष में बहुत ही उनको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको बहुत ही सफलता इस वर्ष प्राप्त होगी। और अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि जो बहुत ही बड़ी राशि है, जिनके स्वामी स्वयं चंद्रमा है, कर्क राशि इधर दो ढाई साल से थोड़ा सा परेशानी में, मन अशांत और कार्य क्षेत्र भी स्थिरता नहीं हो पा रही थी, जो कि अब बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि कर्क राशि से शनि की जो दृष्टि थी वो हट रही है, शनि का उनके ऊपर जो प्रभाव था जिसके कारण वो यात्राएं और मन शांत होना, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होना, उससे अब थोड़ा सा उनको लाभ मिलेगा। एक थोड़ी सी परेशानी कर्क राशि वालों को ये रहेगी कि धन का संग्रह नहीं हो पाएगा, धन का व्यय हो सकता है, धन उनके पास कम रुकेगा और कमर में थोड़ी सी दर्द या कमर पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे कर्क राशि वाले, और जो भी यात्राएं इनको करनी है वो बहुत ही सावधानी से यात्राएं करेंगे, क्योंकि शनि का गोचर अष्टम भाव से होगा। अन्य बृहस्पति ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं। कर्क राशि वालों को चाहिए कि वो सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, पूरे वर्ष भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके लिए वे वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आय भाव से बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही मंगलकारी है, बृहस्पति ग्रह भी उनके लिए शुभ फल देने की स्थिति में हो जाएगा। अप्रैल से उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ का समय आ जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी और उनका जो आय है, जो अभी 3-4 महीनों में अभी तक जो शनि आय को थोड़ा कम करता रहा, वो बृहस्पति की दृष्टि से और अच्छा होने की संभावना है। इसलिए कर्क राशि वाले बृहस्पति की उपासना करें और शनि की उपासना, बृहस्पति देव का पूजन, शनि का पूजन करते रहें, जिससे ये वर्ष उनके लिए बहुत ही मंगलकारी। पंडित जी, अब सिंह राशि के बारे में और भी जो आगे की राशियां हैं उनके बारे में बता दीजिए कि कैसा ये साल रहने वाला है। इस वर्ष सिंह राशि बहुत ही बलवान राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि में अभी तक शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि शनि स्वयं सप्तम में आकर के विराजमान होंगे, जो कि इस वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि और गुरु ग्रह का भाग्य भाव में गोचर होना ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सिंह राशि पिछले वर्ष में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाई है। इसलिए इस वर्ष में सिंह राशि वाले जातक बहुत ही प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए विवाह होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, और जो मन अभी तक अशांत था, जो समस्याएं थी, गुरु ग्रह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी, वो इस बार बहुत अच्छी होने वाली हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी, और जो पहले से दिक्कतें चली आ रही हैं वो भी इस वर्ष ठीक होने की पूरी संभावना है। इसलिए सिंह राशि वाले जातक थोड़ा सूर्य की उपासना करें और शनिवार का भी, शनि देवता का भी थोड़ा सा व्रत उपवास कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, 11 परिक्रमा पीपल की पेड़ की कर लें, क्योंकि शनि की लग्न पे दृष्टि थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकती है, या आपका स्थान परिवर्तन करा सकती है, या व्यापार में परिवर्तन हो सकता है, इनकी संभावना अधिक है। इसे सिंह राशि वाले थोड़ा सावधान रहें कि उनका स्थान परिवर्तन का
एकदम प्रबल योग बन चुका है, जनवरी से बन जाएगा स्थान परिवर्तन का योग। लेकिन इसके साथ प्रमोशन और उच्च स्थान प्राप्त होने के बहुत प्रबल योग हैं, यात्राएं हो सकती हैं। इसलिए शनि का पूजन करते रहें और सूर्य भगवान को जल देते रहें। अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है या राजकीय उन्नति चाहते हैं और या अपने बॉस से अच्छे संबंध चाहते हैं, तो आप सूर्य को जल देते रहें और शनि का थोड़ा सा पीपल की परिक्रमा 11 करते रहें, जिससे आपके लिए वर्ष बहुत ही मंगलकारी होगा। और अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध ग्रह इस वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। इस वर्ष तो सभी के लिए बहुत अच्छे फल करेंगे सभी ग्रह, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बुध बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन सावधान रहना है कन्या और लग्न की स्त्रियों को, क्योंकि आपसी अनबन की स्थितियां पैदा होंगी घर परिवार में, थोड़ा सा कलह की स्थितियां बन सकती हैं, पति से तलाक की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे योग इस वर्ष अधिक थोड़ा बनेंगे, तो इससे सामंजस्य आपस में बिठा के चलें और बुध का उपचार करते रहें, कृष्ण जी की आराधना करें, जिससे ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि कन्या राशि के लिए विवाह टूटने के या विवाह अगर अभी नहीं हुआ है तो इस वर्ष न मिलने के भी योग बन रहे हैं। इससे 2024 में विवाह के योग बनेंगे। इससे अगर विवाह पहले से तय है तो गुरु का पूजन करते रहें या गुरु का व्रत कन्या राशि की स्त्रियां या पुरुष कर लें, जिससे ये वर्ष उनके लिए मंगलकारी साबित हो और उनके लिए बुध तो बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहा है। इससे मिला जुला फल मिलेगा कन्या लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब चर्चा हम करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के तो पहले से ही लग्न पे इस राशि पे गोचर कर रहा है, केतु के गोचर करने से ये वर्ष पिछला तो उनका बहुत अच्छा नहीं रहा, आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा, जो कि मार्च अप्रैल के बाद से उनका समय बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक आपस में किसी प्रकार की अनबन ना करें, किसी प्रकार की पेट में या शरीर में समस्या रहने की भी संभावना है जो बनी हुई है या ऑपरेशन हुआ हो तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि केतु का परिवर्तन होने के बाद ही तुला राशि बहुत अच्छी होगी। तो तुला राशि के लिए शनि का तो बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, अन्य ग्रहों का योग बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में केतु का और राहु का जो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु राशि वालों के लिए आपसी तनाव या मानसिक अशांति ये भी बनी हुई है। खाने पीने में विशेष ध्यान दें, कोशिश करें प्रयास करें नॉनवेज इत्यादि ग्रहण न करें, जिससे वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, शनि आपके लिए अच्छा करके लेकर के आवे, ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि इनका स्वयं स्वामी मंगल है और मंगल स्वामी होने से उनके लिए तो ये पूरा वर्ष मंगल ही रहने वाला है। शनि इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे फल करेंगे और गुरु भी उनके लिए अच्छे फल लेकर के आ रहे हैं। इसलिए वृश्चिक लग्न वाले जातक हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी का मंगलवार के दिन व्रत भी कर सकते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन की संभावना है या कार्य बदलने के योग भी इस वर्ष बनेंगे। कार्य क्षेत्र से थोड़ा मन कार्य में नहीं लगेगा, मन भटका भटका सा रहेगा और अप्रैल के बाद थोड़ा सा गुरु देवता का भी दान करते रहें। गुरुवार को चने की दाल और गुड़ या तो गाय को खिलावें या कहीं मंदिर में जा करके ब्राह्मण को दान करें और पीला टीका अपने मस्तक पर लगावें या फिर हल्दी अपने मस्तक पे लगाने। और अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि जिनका स्वयं स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष बहुत ही अच्छे योग बनेंगे।
जो अभी तक समस्याएं शरीर को लेकर के थोड़ी सी थी, दर्द, वो अब दूर होगी। कार्य सभी रुके हुए बनेंगे। शनि का परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि इस वर्ष पूजा पाठ में थोड़ा सा मन न लगे या मन आपका भटके, और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है। और कहीं भी घर खरीदने का योग भी धनु लग्न और राशि वालों के लिए बन रहा है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है घर खरीदने का, या घर अगर है तो दूसरे घर का योग भी बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता प्राप्त होने के योग हैं, और यदि हो सके तो गुरुवार का पूजन करते रहें, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर ये कहीं ना कहीं से सुफलों में बाधक भी होता है। इससे घर में किसी न किसी प्रकार की बाधा या तनाव की स्थिति बन सकती है, जिसके लिए आपको गुरु का पूजन करते रहना है। बृहस्पतिवार को चने की दाल गुड़ गाय को खिलावें या ब्राह्मण को कहीं मंदिर में दान करें। ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि जिनका स्वामी स्वयं शनि है, और ये बहुत बड़ी राशि है, जो अभी 2.5 वर्ष से शनि मकर राशि पे ही गोचर कर रहे थे, अब ये वहां से हट करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो कर्म के लिए, धन के लिए, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग इस वर्ष बनेंगे, और धन प्राप्ति के साथ में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे, अच्छे उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। थोड़ा सा कमर में दर्द या पैरों में दर्द रहने की संभावना अधिक है, वाहन सावधानी से चलाएं, और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का अगर पाठ करते रहेंगे तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। गुरु का भी गोचर बहुत अच्छे भाव में हो रहा है, इससे मकर राशि वाले भी संतान प्राप्ति के योग और भी कई अच्छे योग उनके लिए प्राप्त हो रहे हैं। यात्रा सावधानी से करें, और ये वर्ष उनके लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ जो अभी 7.5 ही लंबे समय से चली आ रही है, और अभी चलेगी, क्योंकि 2.5 वर्ष के लिए कुंभ राशि पे ही शनि का गोचर हुआ है। स्वयं अपनी राशि पे कुंभ में शनि का आना ये बहुत ही अच्छा, करीब 30-32 साल बाद ऐसा संयोग बनता है जब राशि पे पुनः वही ग्रह गोचर करते हैं। तो ये शनि का इस राशि पे आना बहुत ही अच्छा माना गया है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसी संबंधों में थोड़ा विच्छेद की स्थिति आएंगी। स्वयं के लिए बहुत अच्छा है, मित्रों से अनबन या प्रेम प्रेमिका में वियोग की स्थितियां बन रही हैं, और धन के लिए बहुत अच्छा ये समय चल रहा है अभी वर्तमान समय में। जैसे ही शनि का गोचर होगा, धन प्राप्ति के योग और नौकरी में उच्च पद के योग, सभी कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा भाइयों से आपसी संबंध अच्छा बना के चलें, लड़ाई झगड़ा आपस में ना करें, और कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए शनि कुंभ राशि वाले जातक हो सके तो गुरु देवता की पूजा करते रहें, और शनि का भी थोड़ा सा दीपक जलाना या छाया दान करना, ये हर प्रत्येक शनिवार को सायंकाल करने से उनको बहुत ही लाभ होगा, और हर एक समस्याओं से बचते रहेंगे। ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और बहुत ही अच्छी राशि मानी गई है। वर्तमान समय में इस राशि पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है, और ये उनके लिए तो समय बहुत अच्छा अभी वर्तमान समय चल भी रहा है। थोड़ा सा गुरु के शनि के द्वादश होने से आय में व्यय अधिक हुआ है, थोड़ा आय से अधिक व्यय हुआ है, और
ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आने वाला समय, क्योंकि अभी जो संतान को कोई समस्या अगर चल रही थी पहले से मीन लग्न राशि वालों के लिए, तो समस्या अब दूर होने का समय आ गया है। आपका जो मन अशांत था अभी तक, बुद्धि पे बहुत ही भार ऐसा पड़ रहा था, वो भी कम हो जाएगा। 15-17 जनवरी के बाद से आपको मन एकदम बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके यात्राएं अच्छी होंगी और थोड़े से परिवर्तन होने की संभावना है। जो भी 2023 में ही अप्रैल में 2023 में कहीं से बहुत अधिक धन प्राप्ति की योग आपके बनेंगे अप्रैल के बाद से, और अभी भी वर्तमान समय ठीक चल रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पेट संबंधी समस्याएं से बचते रहें समस्याओं से, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावना भी अधिक है, जो कि अभी समाप्त होने वाली है। 2023 में अप्रैल के बाद आपका बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा और रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, सभी कार्यों की पूर्ति होगी। पंडित जी आगे जानना चाहेंगे कि इस साल में कौन कौन से दुर्लभ संयोग रहने वाले हैं? इस वर्ष में दुर्लभ संयोग यही है कि इस वर्ष शनि का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन और कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शनि का और राहु केतु का ये तो बहुत बड़े परिवर्तन हैं, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी उत्पन्न करते हैं, जो कि होंगी। अभी कोरोना विदेशों में चली रहा है तो अभी ये समाप्त नहीं होगा, अभी 2-2.5 साल जब तक ये शनि का 2.5 वर्ष का कुंभ राशि में रहेंगे तब तक मृत्यु दर थोड़ी बढ़ती रहेगी, और किसी न किसी कारण से मृत्यु अकस्मात होंगी अधिकतर। इसलिए स्वास्थ्य का सभी को विशेष ध्यान देना है। हालांकि कुंभ पे शनि के जाने से इतना समस्याएं इतनी अधिक नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जब तक 2.5 वर्ष शनि कुंभ पे रहेंगे तब तक ये कोरोना जैसी बीमारी और ये समस्याओं से हम लोग बच नहीं सकते हैं। इसलिए बचने का उपाय यही है हनुमान चालीसा का, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की आराधना करते रहें जिससे सभी संकटों से, इन बाधाओं से, जैसे अभी तक 2019 के बाद से सभी भारत में सभी भगवान के पूजा पाठ के सहयोग से, देवी देवताओं की कृपा से सभी का नुकसान नहीं हुआ, सभी स्वस्थ रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हम सभी लोग, क्योंकि धार्मिक हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, और हमारा सनातन धर्म से अभी 2023 आ गया है अंग्रेजी उससे, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से आएगा, वो होली के समय से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होगा, जो कि वर्ष भर माना जाएगा। उसी समय सभी ग्रहों का बदलाव परिवर्तन होगा, लेकिन इस इंग्लिश तारीख के अनुसार हमारा नववर्ष 2023, क्योंकि अंक ज्योतिष भी बहुत ही प्रभावशाली है और अंक ज्योतिष के हिसाब से ये नया वर्ष नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। अंक ज्योतिष का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा फल है, जिसके कारण सभी के लिए ये वर्ष बदलाव और परिवर्तन लेकर के आएगा, जो कि बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित राम जी, और आगे भी इनसे नए साल की जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आर एस आलू भंडार नवी गंज की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों व नगर वासियों को नव वर्ष 2023 और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी झुन्ना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।